छत्तीसगढ़ में जो है शिक्षक के टीचर्स के 14,000 पदों पर जो है सबसे बड़ी भर्ती। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, छत्तीसगढ़ में शिक्षकों के 14,000 पदों पर जो है सबसे बड़ी भर्ती, सबसे बड़ी वैकेंसी जो है आप सभी स्टूडेंट के लिए विज्ञापन जारी हो चुका है। तो जो स्टूडेंट जो है छत्तीसगढ़ में अगर शिक्षक बनना चाहते हैं, टीचर्स बनना चाहते हैं, अभी से जो है एग्ज़ाम्स की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। और आप सभी स्टूडेंट के लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है, काफ़ी अच्छा मौका है। अगर आपने इस मौके को छोड़ दिया तो शायद आपको ज़िंदगी में दोबारा मौका मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं मिल पाएगा, क्योंकि इतने ज़्यादा वैकेंसीज जो है बहुत समय के बाद आता है। और ऐसे में जो है आप सभी स्टूडेंट के लिए अगर 14,000 शिक्षक के भर्ती हैं तो आप इसके लिए बेहतर से बेहतर तैयारी जो है कर सकते हैं। जितना ज़्यादा आप तैयारी करेंगे, जितना ज़्यादा आप मेहनत करेंगे, जितना ज़्यादा आप प्रिपरेशंस करेंगे, हार्डवर्क करेंगे, आपको उतने ही ज़्यादा बेहतर बेस्ट रिज़ल्ट जो है मिल पाएगा, उतने ही ज़्यादा आपको कामयाबी भी मिल पाएगा। तो शिक्षक के 14,000 पोस्ट में आवेदन करने के लिए सबसे पहले तो आपका स्नातक जो है कम्प्लीट होना चाहिए, आपका स्नातक की डिग्री कंप्लीट होना चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय से, ये सिंपल है। और साथ में आपका जो है रोज़गार पंजीयन होना चाहिए। काफ़ी स्टूडेंट हुए जिनको रोज़गार पंजीयन के बारे में पता नहीं होता, और काफ़ी स्टूडेंट का डेट जो है आ गया होता है रिन्यूअल का, लेकिन वो नहीं कराते, उन्हें लगता है कि यार वैकेंसीज तो इस समय नहीं आ रहा, तो वैसे भी नहीं कराते हैं। तो एक छोटी सी मिस्टेक अगर आप करते हैं, छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं, इन्हीं वजह से आपका सिलेक्शन आगे नहीं हो पाता। तो देखिए, आपका रोज़गार पंजीयन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, रोज़गार पंजीयन काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी रहता है जब भी आप किसी गवर्नमेंट जॉब्स के लिए फॉर्म फिलअप करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो इसके लिए तो रोज़गार पंजीयन जो है अवश्य रूप से करा लीजिए। अगर रोज़गार पंजीयन का रिन्यूअल का डेट आ चुका है तो रिन्यूअल कराइए, और नहीं कराए हैं तो रोज़गार पंजीयन ज़रूर कराइए। और इसके साथ आपका जो है बीएड भी होना चाहिए। वहीं अगर आपने बीएड अगर नहीं किया है तो आप जो है डीएलएड, अगर आपने किया बीएड नहीं किया तो आप जो है डीएलएड किया है तो भी आप जो है छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए एलिजिबल हैं, आप आराम से इसके लिए आवेदन जो है कर सकते हैं। अब क्या ऐसा मुमकिन है कि हमारा जो है ग्रेजुएशन कम्प्लीट है और बीएड और डीएलएड कम्प्लीट है तो हम क्या शिक्षक बन सकते हैं? जी नहीं, इसके लिए जो है आपका टेट एग्ज़ाम भी क्वालिफाई होना चाहिए, क्योंकि बिना टेट एग्ज़ाम टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, जो सी जी टेट होते हैं, सी टेट होते हैं। सी जी टेट आपका छत्तीसगढ़ टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, सी टेट सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है। दोनों में से कोई एक टेट एग्ज़ाम आपका जो है क्वालिफाई होना चाहिए। अगर दोनों में से कोई एक एग्ज़ाम्स अगर आपका क्वालिफाई हो चुका है, आपका ग्रेजुएशन कम्प्लीट हो चुका है, बी एड या फिर डी एल एड कम्प्लीट हो चुका है, तो ही आप जो है छत्तीसगढ़ में शिक्षक बनने के लिए एलिजिबल हैं, शिक्षक बनने के लिए पात्र हैं, वरना आप इसके लिए किसी भी तरह से आवेदन नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज़ें तो कंपलसरी है। वहीं आयु सीमा की बात करें तो कम से कम आपका उम्र 21 वर्ष जो है होना ही चाहिए, मैक्सिमम एज लिमिट 40 वर्ष है। कैटेगरी वाइज छूट मिलता है, एससी एसटी को 5 वर्ष है, ओबीसी को 3 वर्ष है। तो यदि आप एससी और एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं 45 वर्ष के आप आवेदन कर पाएंगे, वहीं यदि आप ओबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं 43 साल के हैं आप इसमें जो आराम से आवेदन कर सकते हैं, फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ सिलेबस के बारे में, ताकि आप लोगों को शिक्षक भर्ती परीक्षा से रिलेटेड कंप्लीट जानकारी जो है मिल सके और आप लोग एग्ज़ाम्स में जो है बहुत ही अच्छे से नंबर ला सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं छत्तीसगढ़ में शिक्षक टीचर भर्ती परीक्षा का सिलेबस जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। आपके एग्ज़ाम में कुल टोटल 150 प्रश्न एग्ज़ाम्स में पूछे जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न एक अंक के होंगे और इसमें निगेटिव मार्किंग भी आपको जो है देखने को मिलता है। तो जितना हो सके निगेटिव मार्किंग से बच के, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से एग्ज़ाम्स में 30 अंकों के 30 प्रश्न आएंगे, सामान्य हिंदी से 25 अंकों के 25 प्रश्न, सामान्य अंग्रेजी से भी 25 अंकों के 25 प्रश्न, गणित और विज्ञान से 30 अंकों के जो है 30 प्रश्न, सामाजिक अध्ययन से 20 अंकों के 20 प्रश्न, कंप्यूटर से 10 अंकों के, और वहीं सामान्य ज्ञान से भी 10 अंकों के। तो इस तरह से आपके एग्ज़ाम्स में जो है प्रश्न क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वहीं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की बात करें तो इसमें आपका विकास के अवधारणा एवं उसके सीखने से संबंध, बच्चों के विकास के सिद्धांत, परिप्रेक्ष्य एवं अभ्यास, सीखने में कठिनाई, विकलांगता आदि से संबंधित बच्चों के शिक्षण से क्वेश्चन जो है प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। साथ में हम बात करें हिंदी के, तो हिंदी के व्याकरण आपके एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हिंदी के व्याकरण में आपके एग्ज़ाम्स में स्वर, व्यंजन,
अक्षर वर्तनी संज्ञा समास मुहावरे लोकोक्तियाँ अपठित गद्यांश पर्यावाची संधि विच्छेद समास ये सभी पूछे जाते हैं। हिंदी भी इम्पोर्टेंट होता है, तो हिंदी की तैयारी यदि आप करना चाहते हैं तो हिंदी की तैयारी करने के लिए, हिंदी के प्रिपरेशंस करने के लिए आप जो है दिल्ली एस एकेडमी का बुक ले सकते हैं। तो यदि आप दिल्ली एस एकेडमी के बुक से हिंदी की तैयारी करते हैं, हिंदी की प्रिपरेशंस करते हैं, तो आपको हिंदी के बारे में कम्प्लीट ए टू जेड नॉलेज मिल पाएगा और आप जो है हिंदी में बहुत अच्छे से नंबर जो है ला सकते हैं। और जितना ज़्यादा आपका मेहनत होगा, जितना ज़्यादा आपका हार्डवर्क होगा, उतने ही ज़्यादा आपको कामयाबी, उतने ही ज़्यादा सफलताएँ आपको जो है मिल पाएगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा काम कीजिए। अब हम बात कर रहे हैं इंग्लिश के, तो इंग्लिश में आपका ग्रामर्स इंपॉर्टेंट होता है। ग्रामर्स में आपके एग्ज़ाम्स में नाउन प्रोनाउन टेंस वॉइस नरेशन कंजक्शंस प्रीपोजिशंस आर्टिकल डिग्री क्वेश्चन टैग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सबऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट फिनिट वर्ब नॉन फिनिट वर्ब प्रेसिस राइटिंग इन सभी से क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो इंग्लिश के प्रिपरेशन यदि आप करना चाहते हैं तो इसके लिए आप जो है एसेंशियल इंग्लिश रश्मि से दिशा पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं, जिससे कि आपकी इंग्लिश की तैयारी बहुत अच्छे से हो पाएगा और आप जो है इंग्लिश में बहुत अच्छे से नंबर जो है ला सकते हैं। तो जितना ज़्यादा आप पढ़ाई करेंगे, जितना ज़्यादा आप तैयारी करेंगे, उतने ही ज़्यादा आपके लिए सिलेक्शन जो है हो पाएगा और उतने ही ज़्यादा कामयाबी, उतने ही ज़्यादा शोहरत, उतने ही ज़्यादा सफलता आपको जो है मिल पाएगा। और सभी चीज़ें आपके ऊपर ही डिपेंड करता है, आपके काम के ऊपर, आपके मेहनत के ऊपर, आपके हार्डवर्क के ऊपर। साथ में गणित की बात करें तो गणित के भी क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण। तो मैथ्स की तैयारी यदि आप करना चाहते हैं तो जिसमें आपका घातांक अनुपात समानुपात चक्रवृद्धि ब्याज आप लोग देख सकते हैं, घातांक अनुपात समानुपात चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज लघु गणक घन घनाभ औसत चाल समय तथा दूरी इनसे संबंधित क्वेश्चन, इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जितना ज़्यादा आप तैयारी करोगे, जितना ज़्यादा पढ़ाई करोगे, जितना ज़्यादा प्रिपरेशंस करोगे, आपको उतने ही ज़्यादा कामयाबी, आपको उतने ही ज़्यादा सफलताएँ, आपको उतने ही ज़्यादा शोहरत, आपको उतने ही ज़्यादा नेम फेम पैसा, ये सभी चीज़ें जो है मिल पाएगा। और सभी चीज़ें आपको तभी मिलेगा जब आप मेहनत करेंगे, आपको कामयाबी तभी मिलेगा जब आप इसके लिए 100% हार्डवर्क करोगे। तो इसलिए हार्डवर्क कीजिए, मेहनत कीजिए, काम कीजिए। सो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, अगर वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना, साथ में बेल नोटिफिकेशंस को भी ऑन करके रख लीजिए एंड वीडियोस को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करना। सो इसी तरह से नए नए वीडियोस मेरे चैनल्स पर जो आप सभी स्टूडेंट को मिलते रहेंगे। बस जितना ज़्यादा हो सके अपना प्यार और अपना सपोर्ट जो है बनाए रखना, ताकि आप सभी स्टूडेंट के लिए इसी तरह से मैं नए नए गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी से रिलेटेड, नए नए भर्ती परीक्षा से रिलेटेड महत्वपूर्ण वीडियो जो आप सभी स्टूडेंट को जो है मिल पाएगा। बस अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना और मेहनत करना जो है मत छोड़ना, और जितना ज़्यादा आप मेहनत करोगे आपको उतनी ही ज़्यादा कामयाबी, आपको उतनी ही ज़्यादा सफलताएं जो है मिल पाएगा। सो थैंक यू, ख्याल रखें।